विदेश जाने की तमन्ना में दुआबा के नौजवान, जल्दबाजी में फर्जी ट्रैवल एजेंटों के चक्कर में फंसकर अपने पासपोर्ट, कागजात और मोटी रकम गवा लेते हैं और मानसिक व दिमागी परेशानी का शिकार बन बैठते हैं। इसी पर शिकंजा कसते हुए जिला डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर विपुल उज्जवल द्वारा 22 दिसंबर को आम लोगों को फर्जी ट्रैवल एजेंटों की धोखाधड़ी से बचने के लिए जिला स्तर पर एक फरमान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई ट्रैवल एजेंट टेलीविजन या अखबार के द्वारा अपना विज्ञापन देना चाहता है तो उन्हें विज्ञापन देते समय अपना लाइसेंस नंबर देना जरूरी होगा। इसके अलावा वे अपने डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर भी लाइसेंस नंबर लिखवाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो कानून के मुताबिक उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पर इस फरमान के बावजूद 21 दिन बीत जाने के बाद भी ट्रैवल एजेंटों ने अपने डिस्प्ले बोर्ड पर और बाजारों में लगे एड बोर्ड पर अपना लाइसेंस नंबर नहीं लिखवाया है और ऐसे में आम व भोले भाले ग्रामीण तथा शहरी लोगों को विदेश भेजने के नाम पर मोटी रकम वसूल कर चूना लगा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से आदेश तो जारी कर दिए गए हैं, पर इसे अमल में लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके चलते अधिक ट्रैवल एजेंटों के पास कोई भी लाइसेंस नहीं है और कई ट्रैवल एजेंटों के पास गुजर चुके साल का लाइसेंस है और धड़ल्ले से विदेश भेजने के नाम पर लूट की जा रही है। वहीं जब इस मामले में ट्रैवल एजेंटों से बाहर लगे बोर्ड और डिस्प्ले बोर्ड पर लाइसेंस नंबर ना लिखवाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कमिश्नर द्वारा जारी किए गए फरमान के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और ना ही लाइसेंस रिन्यू करवाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी है। जेडे इलीगल ट्रैवल एजेंट्स काम कर रहे हैं उधर बारे में असी अपने लेवल पे खुफिया तौर पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। बीच में पुलिस पार्टी वालों राइड की जा रही है, जड़े इलीगल एजेंट्स है उसके खिलाफ शक्ति कार्रवाई की जा रही है। नहीं, डेफिनेटली हमने चेकिंग शुरू की है कमेटी वालों, बीच में उसमें जो मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व है, जैसे कॉरपोरेशन कमिश्नर का टीम है, डीसी दफ्तर का टीम है, हमारा पुलिस की टीम है। अभी एक बार जॉइंट मीटिंग हमने कर लिया है, कुछ राइड्स हमने शुरू की है, फिर जल्दी बाकी राइड करवा देंगे। नहीं, अभी पिछले इमीडिएटली नहीं हुआ, बट पुराना टाइम का हमने भी इलीगल एजेंट्स के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है। उन्हें रिसेंटली अभी हल्ले नहीं है, बट ऐसे राइड करवा रहे हैं, करवा के कार्रवाई कराएंगे। हमने लोकल जो हमारे नगर निगम है उनको ऑलरेडी हमने यहाँ से इंटीमेट किया है कि जहाँ भी बोर्ड ऐसा है जिसके ऊपर ट्रैवल एजेंट का बोर्ड है और उसके ऊपर अगर उसका लाइसेंस नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उसको हटा दिया जाए। और हमने सारे ट्रैवल एजेंट्स को एडवाइजरी भेजी है कि अपने जितने भी एडवर्टीजमेंट हैं, भले ही वो पैम्फलेट के रूप में हो, भले ही बोर्ड के रूप में हो, उनको अपना लाइसेंस नंबर लिखना ज़रूरी है उस पर। तो हम जितने भी बोर्ड लगे हैं उसके लिए नगर निगम को हमने कहा है कि वो सारे बोर्ड हटा दें। वी विल टेक अ रिपोर्ट कि कितने बोर्ड हटे हैं उनमें से। सेकेंडली पुलिस को भी हमने एक डीओ लेटर लिखा था जिसके अंदर हमने उनको बताया है कि हमारी तरफ से कितने एजेंट्स रजिस्टर हुए हैं, उनकी लोकेशन क्या है, साथ में वो किस कैटेगरी के लिए रजिस्टर हुए हैं। इसमें यह है कि जिस कैटेगरी का लाइसेंस लिया है उसके अलावा अगर वो दूसरा काम करते हैं तो वो भी गलत है। अगर आपने कंसल्टेंसी का लिया है और आप ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं तो वो भी गलत है, आपके पास दोनों का लाइसेंस होना चाहिए। कारण भी बोर्ड से मतलब कोई लाइसेंस नहीं लिखा जी, क्योंकि डीसी साहब ने सख्त जायदा देते फिर भी क्यों नहीं लिखा गया, देख लेने कोई अपने नॉलेज नहीं आई इसका। अच्छा जी, दूसरा ये साढ़े लाइसेंस के उपर 15-16 का लिखा है, रिन्यू वगैरह नहीं है किसी तरह का कोई प्रोसीजर या कि 17-18 चल रहा या ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ 15-16 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।